अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका शेफ मुजम्मिल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं स्पेशल आइटम, वो आप हमारे साथ है शेफ फैसल, आपको बताएगा आज वो क्या बना रहे हैं। तो जी शेफ फैसल, आज क्या बना रहे हैं हमारे साथ? जी शेफ, हम आज बना रहे हैं बीफ भुना हुआ गोश्त। जबरदस्त, आज बनेगा बीफ भुना हुआ गोश्त, तो हमारे साथ रहे। आए शेफ फैसल, सेटअप लगाया टेबल का? जी सेटअप लगा पड़ा है, आए आप हमारे साथ चले। जी, भुना हुआ गोश्त के लिए जो शेफ ने सेटअप लगाया, उसके लिए जो है उसने रखा है बीफ, आप देख सकते हैं जबरदस्त किस्म की छोटी कटिंग करके उसने रखा है बीफ। ये कढ़ाई कटिंग उसने बनाया है, बीफ रखा हुआ है आधा किलो, डेढ़ किलो सॉरी, इसने बीफ रखा हुआ है डेढ़ किलो बीफ के साथ, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज इसके साथ, 150 ग्राम उसने दही रखा है, 150 ग्राम कुकिंग ऑयल है, 1.5 किलो हमारा बीफ है। इसके साथ 1 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ करेंगे लाल मिर्च, और इसमें यूज़ करेंगे हम जो है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 2 टेबलस्पून हम यूज़ करेंगे इसमें गार्लिक। जी शेफ, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे बीफ। बीफ हमने डाल दिया, उसके बाद हम हमारे पास पानी है, वो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 लीटर। टमाटर ऐड करेंगे जो आपके जी हमने रखा था। उसके बाद हमारे पास प्याज है, वो प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो बाकी हम इसके अंदर नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, गार्लिक डालेंगे इसमें 2 टेबल, 1.5 से 2 टेबलस्पून, 150 ग्राम इसमें हम डाल रहे हैं घी हम। जी शेफ, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको लगा देंगे 25 मिनट का प्रेशर। अब हम इसको प्रेशर लगा रहे हैं, उसके बाद हम देखें। जी तो बीफ हमारा अभी रेडी हो चुका हुआ है प्रेशर लग के, अब हम इसको खोलते हैं। डालेंगे एक पतीली में और अच्छे से इसका पानी खुश करेंगे, भुनाई करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 150 ऑयल कुकिंग ऑयल जो हमारा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर इसकी बनाई करेंगे अच्छे से, और ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है भुना गोश्त रेडी होगा। डेढ़ सौ ग्राम कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से हमने बुनाई करनी है कि इसका टमाटर और जो इसकी चीज़ें हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो, और फिर ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोश्त रेडी होगा इसमें। वन टीस्पून इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून अब डालेंगे इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अब लगाएंगे हम ग्रीन धनिया इसके ऊपर गार्निश, अदरक हरी मिर्च की गार्निश करेंगे इसके अंदर हल्की सी। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी है, अब हम इसको करेंगे सर्विंग। जी तो भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी है, शेफ फैसल ने जबरदस्त किस्म का भुना हुआ गोश्त बनाया है। आज मैं पूछूंगा साथ में, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं अपनी टीम को लेके एक नई से नई वीडियो बनाऊंगा, हर दिन अपना नया से जो मेरा शेफ है मेरे साथ काम करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो मेरे शेफ ने आज जबरदस्त किस्म का भुना हुआ गोश्त रेसिपी बताई है, अब मैं उससे पूछूंगा कि उसने आज ये भुने हुए गोश्त ही क्यों पसंद किया बनाना। जी शेफ, जी शेफ, शेफ ये देखें, हमने भुना हुआ गोश्त बनाया है, ना ही कोई इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया है, और जैसे हम घर में बनाते हैं भुना हुआ गोश्त लोग बहुत शौक से खाते हैं, और मैं खुद ये बहुत शौक से खाता हूँ, इसलिए मैंने कहा आज यही बनाते हैं। जबरदस्त शेफ फैसल, इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ नई से नई रेसिपीज लेके अपनी पूरी जितने मेरे साथ टीम काम कर रही है हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। हर अपने जितने शेफ मेरे साथ काम करते हैं सबको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो आज सबसे पहला शेफ तो शेफ फैसल था जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हर दफ़ा नई से नई वीडियो में हम नए से नए शेफ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नई से नई रेसिपी के लिए। MA Food Studio को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।